हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट गंगा में। हमारे द्वारा जो प्रैक्टिस सेट लिखा गया है, उसी प्रैक्टिस सेट से हम कुछ प्रश्नों को आपको सॉल्व करा रहे हैं। और यदि आप पूरे प्रैक्टिस सेटों को पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर, जो हमारे ऑफिस का नंबर है, जो आर्ट गंगा के ऑफिस का नंबर है 8545004467, इस नंबर पर आप संपर्क करें और अपने लिए बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट अपने घर मंगवाएं। बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है, एक बार लेकर जरूर देखिए। विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने 1 से लेकर 125 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है और इस वीडियो में 26 से 50 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 26वां प्रश्न हमारा है, पंचमढ़ी की खोज किस विद्वान ने की थी? ऑप्शन है DH गार्डन, एफ फॉसेट, V.S. वाकड़कर, G.R. हंटर। ऑप्शन हमने ऐसे चुनकर रखे हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे हम लोगों को हमेशा ऑप्शन मिलते हैं ऐसे जो हमें कंफ्यूज करते हैं कि दो ऑप्शन ऐसे मिल रहे हैं कि हम इसमें कौन सा बेहतरीन विकल्प चुन सकते हैं। तो विद्यार्थियों, पंचमढ़ी की खोज 1932 में G.R. हंटर महोदय ने की थी। तो क्या DH गार्डन का संबंध नहीं है? बिल्कुल है, DH गार्डन का भी संबंध है। और DH गार्डन महोदय ने 1936 में, यानी 1936 ईस्वी में पंचमढ़ी की खोज की। तो जो पहले खोजकर्ता है G.R. हंटर, वो है 1932 में। इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा G.R. हंटर, यानी डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, सभी चित्रों की शुरुआत किस शासक ने किया था? सभी का मतलब होता है छवि चित्र, पोर्ट्रेट या व्यक्ति चित्र, बाबर, शाहजहां, जहांगीर या अकबर। तो राइट आंसर है विद्यार्थियों, अकबर ने सभी चित्रों की शुरुआत की थी, सभी चित्रण करवाना प्रारंभ किया था अकबर। राइट आंसर है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए विद्यार्थियों, बेलारी की खोज कब हुई थी? बेलारी गुफा खोज कब खोजी गई थी? सन 1891, सन 1992, सन 1892 या 1907 में? तो विद्यार्थियों, बेलारी की खोज सन 1892 ईस्वी, यानी सी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए, सीता जी के माननो राग ऐतिहासिक स्थल किस राज्य में है? राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु या केरल। तो राइट आंसर है राजस्थान में है, यानी ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं, शोहराय आर्ट कहाँ की लोक कला है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो शोहराय आर्ट ये एक लोक कला है और ये कहाँ की है, कमेंट्स बॉक्स में आप उत्तर जरूर दिया करें विद्यार्थियों, ये झारखंड की लोक कला है। राइट आंसर है बी, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए, भारत का पहला कला विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है मद्रास, मुंबई, शांति निकेतन या बंगाल। राइट आंसर है मद्रास, यानी ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। अभी हाल ही में कांथा टेक्सटाइल के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कलाकार कौन है? ऑप्शन है प्रतिकाया गोस्वामी, श्री प्रेमजीत बारिया, दिलशाद हुसैन या अजय कुमार मंधावी। राइट आंसर है विद्यार्थियों, प्रतिकाया गोस्वामी। इनको अभी हाल ही में कांथा टेक्सटाइल के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हमारा आपसे प्रश्न है विद्यार्थियों कि कांथा टेक्सटाइल कहाँ की लोक कला है, कमेंट्स बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए, भारत में तूती नामा कब लिखा गया था? भारत में तूती नामा कब लिखा गया? ऑप्शन है 1567 से 1570 के बीच में, ऑप्शन है 1560 से 1568 के बीच में, ऑप्शन है 1596 से 1598 या ऑप्शन डी है 1560 से लेकर 1668 ईस्वी। तो राइट आंसर है विद्यार्थियों बी, 1560 से लेकर 1568 ईस्वी के मध्य में तूती नामा भारत में लिखा गया था। बहुत बेहतरीन प्रश्नों के कलेक्शन, आपको ऐसे प्रश्न कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए आप
जरूर करें और हमारे प्रैक्टिस सेट जरूर लें। बहुत बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, वेजेंटाइन कला का जन्म कहाँ हुआ था? इस्तांबुल, क्रीट, मेसोपोटामिया या मिस्र? राइट आंसर है विद्यार्थियों, इस्तांबुल में हुआ था। वेजेंटाइन कला का जन्म कहाँ हुआ? इस्तांबुल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, दिल्ली की सल्तनत कालीन कला का समय क्या रहा? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। ऑप्शन है 1526 से 1826, 1180 से 1600 या 1206 से 1526 या 1500 से 1800। राइट आंसर है विद्यार्थियों 1206 से लेकर 1526, इसका सही उत्तर है। यह दिल्ली सल्तनत कालीन कला का समय है। आप वही पढ़ें जो आपको परीक्षा के लिए उपयोगी हो। फालतू के प्रश्नों को, फालतू के चीज़ों को पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है। आर्यों का प्रमुख धर्म कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, आर्यों का प्रमुख धर्म कौन सा था? वैदिक धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म? राइट आंसर है आर्यों का प्रमुख धर्म वैदिक धर्म था, यानी ए आंसर आपका सही हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं, जीवन का विज्ञान किस वेद को कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या नाट्यशास्त्र? तो जीवन का विज्ञान अथर्ववेद को कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? हमारे सभी स्टूडेंट इसका जवाब बहुत बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, रेखांकन सीरीज, स्केचिंग सीरीज किस कलाकार ने बनाई है? ऑप्शन है जे एम अहिवासी, सेलिना डे, जय झरोटिया, के एस कुलकर्णी। राइट आंसर है विद्वानों जे एम अहिवासी, ए आंसर आपका सही हो जाएगा। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, हमारे प्रिय विद्वानों, हमारे भावी शिक्षकों, आप इन प्रैक्टिस सेटों को जरूर लें। बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है, एक बार लेकर तो देखें। ऐसे बेहतरीन प्रैक्टिस सेट अभी तक मार्केट में अवेलेबल थे ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, लय और जीवन किसने चित्रित किया है? ये चित्र का नाम है लय और जीवन किसने चित्रित किया है? राम गोपाल विजयवर्गी, द्वारिका प्रसाद शर्मा, बद्रीनाथ आर्या, क्षितिनाथ मजूमदार। राइट आंसर है विद्यार्थियों बी एन आर्या, यानी बद्रीनाथ आर्या ने लय और जीवन नामक चित्र श्रृंखला बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, खाकी की वर्दी, खाकी की वर्दी चित्र किसने बनाया है? गोपाल घोष, तैयब मेहता, के जी सुब्रमण्यम, अमृता शेरगिल। राइट आंसर है, सभी को पता होगा इसका उत्तर, के जी सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं विद्यार्थियों, लखोडियार का शाब्दिक अर्थ क्या है? 100,000 गुफाएं, 100,000 चित्र, 100,000 आदिम मानव या प्रागैतिहासिक स्थल? बहुत बेहतरीन विकल्पों के साथ मैंने प्रश्नों को बनाया है, आप इन प्रैक्टिस सेटों को जरूर लें। लखोडियार का शाब्दिक अर्थ क्या है? 100,000 गुफाएं, यानी ए आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, भारत की किस शैली की यह विशेषता रही कि तूलिका के स्थान पर निब का प्रयोग किया गया है? कंपनी, पाल शैली, जैन शैली या उड़ीसा शैली? राइट आंसर है विद्यार्थियों पाल शैली, यानी बी उत्तर आपका सही हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, स्वान कलाकार किसे कहा जाता है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, जगमोहन माथोडिया को, सौभाग्यमल गहलोत को, मौलाराम को या डीडी देवलालीकर को? राइट आंसर है विद्यार्थियों जगमोहन माथोडिया, यानी ए आंसर आपका सही हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, नवपाषाण काल का समय क्या है? 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व या 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व या 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व? विद्यार्थियों ऑप्शन मैंने चुन कर रखे हैं ताकि आप अगर इन प्रैक्टिस सेटों को सॉल्व करें तो आप परीक्षा में अव्वल नंबर ले आए, आप परीक्षा में सबसे आगे रहें, क्योंकि ऑप्शन आपको भ्रमित वहां पर नहीं कर सकते हैं। राइट आंसर है ए, 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व, पहला उत्तर आपका, पहला विकल्प आपका सही है। हमारे प्रिय विद्वानों, हमारे प्रिय विद्यार्थियों, हमारे प्रिय भावी शिक्षकों, हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। नई क्लास अभी मैंने इन्वेंट की है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र बैच।
इसमें दो क्लासेस हैं और बहुत बेहतरीन। आप एक बार क्लासेस को जरूर लेकर देखें, जो भी डाउट्स हैं आपको हम एकदम क्लियर कर देंगे और बहुत ही सरल शब्दों में। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, देवगढ़ की स्थापना 1680 ईस्वी में किसने की थी? ऑप्शन है रावत द्वारिका चोड़ावत ने, रावत सूर सिंह ने, रावत द्वारिकाधीश ने या बापा रावल ने। राइट आंसर है विद्यार्थियों रावत द्वारिका चूड़ावत ने देवगढ़ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, ईरानी शैली में भवन कैसे बने हैं? जाली युक्त, मेहराब युक्त, फूल पत्तियों की नक्काशी है या उपरोक्त सभी? तो यहाँ की विशेषता है जालियां युक्त बने हैं, मेहराब युक्त बने हैं, फूल पत्तियों की नक्काशी भी है, अर्थात उपरोक्त सभी आंसर सही है, यानी डी उत्तर आपका सही है। आप हमारे साथ आठ गंगा पर बने रहें और प्रश्नों को जरूर सॉल्व किया करें हमारे साथ। जब भी आप वीडियोस देखें इन प्रश्नों के उत्तर जरूर दें और कमेंट्स बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, जहांगीर का शासनकाल रहा, कौन सा शासनकाल जहांगीर का बता रहा है इसमें? 1526 से 1530, 1556 से 1605, 1605 से 1627 या 1628 से 1707? इसका राइट आंसर है सी, 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल रहा। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं, फकीर उल्ला खां किसके दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? तो फकीर उल्ला खां जो था वो शाहजहां के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार रहा है और इसके बहुत से चित्र बहुत फेमस हुए हैं। कोई एक चित्र का नाम आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं, निम्न में से कौन कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है? नहीं पर हमेशा अंडरलाइन करिएगा तभी आगे बढ़िएगा। टीली कैटल, शिवदयाल, गोविंद या साहब दीन? राइट आंसर है साहब दीन।